इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। फाइनली ट्रैफिक सिटी और हाईवे मिला के जो एवरेज व्हाट वी आर गेटिंग इज 14.1। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आदित्य एंड तन्वी ब्लॉग्स। तो आज हम लोग दिखाएंगे एक्चुअल एवरेज क्या चल रहा है। तो यहाँ पे दिखाओ। सो अभी मेरा गाड़ी टोटल चल चुकी है 1423 किलोमीटर और मैं अभी ट्रिप लगाऊंगा। ये ट्रिप ए है, ट्रिप बी पे मुझे एवरेज दिख रहा है 9.9। अब ट्रिप बी को सेट करते हैं और आपको दिखाते हैं एवरेज का ट्रिक क्या है और कैसे एवरेज बढ़ता है। ट्रिप मैंने बी जीरो कर दिया है, अब आगे आपको दिखाएंगे एवरेज। ट्रिप बी हमने जीरो कर लिया है और अभी मैंने सिटी मोड से इको पे डाल दिया है। अब देखते एक्चुअल एवरेज आता क्या है। इंटरेस्टिंग होगा वीडियो। अगर आप वीडियो पे नए हो तो फटाफट के अंदाज में इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। अगर आपके कुछ भी सवाल है टाटा पंच रिलेटेड तो पूछिए। बहुत लोग कह रहे थे टाटा पंच अभी उसका क्रेज कम हो गया है या अब उतना बिक नहीं रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्रेज बिल्कुल वैसा ही है, वैसे ही गाड़ी बिक रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी वेटिंग उतना ही है। सो गाइस यहां पे आप देख सकते हैं 16 का एवरेज मिल रहा है और इसी हाईवे पे हम लोग स्ट्रीट फॉरवर्ड जा रहे हैं एकदम। जितना ज़्यादा रेस नहीं दे रहे हम और जितना नॉर्मल एवरेज है उससे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, 16 का एवरेज आया यहाँ पे। और ऐसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप गाड़ी को इको पे रखिए, ट्रिप चेंज कीजिए और ज़्यादा रेस मत दीजिए, आरपीएम नॉर्मल रखिए। और अब यहाँ पे देख सकते हैं 15 का एवरेज यहाँ पे आ रहा है। ज़्यादा रेस भी मत दीजिए और ब्रेक भी ज़्यादा मारिए ना, आप एकदम स्मूथली चलाइए अपने कार को और आप देख सकते हैं अपना एवरेज कितना अच्छे से आ रहा है यहाँ पे 15.4 का, भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। फाइनली ट्रैफिक सिटी और हाईवे मिला के जो एवरेज व्हाट वी आर गेटिंग इज 14.1, क्योंकि ये सिटी में चलाया है पूरा, तो ये एवरेज आ रहा है। मेरा 20 तक भी गया है, 21 तक भी गया है। फिलहाल अभी एकदम स्मूथ हाईवे पे आ गए हैं और पंच भी काफ़ी अच्छे से अपने एवरेज को इंक्रीज करेंगे। हम लोग भी ट्राई करेंगे एवरेज इंक्रीज करने का और आपको हम लोग ने ट्रिक बता दिया कि कैसे ट्रिप चेंज करते हैं, कैसे एवरेज इंक्रीज करते हैं। तो अभी देखते हैं कैसे एवरेज इंक्रीज होता है। देख सकते हैं काफ़ी एकदम ओपन रोड मिल चुकी है, पहले बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था, अभी एकदम क्लीन रोड मिल चुकी है, कैसे कैसे एवरेज इंक्रीज होता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहले 16 का एवरेज मिला था, अभी इससे और आगे जाने का ट्राई करेंगे। तो पंच का एवरेज टेस्ट हमने किया, पहले भी किया हुआ है, वीडियो जाके देख सकते हो हमारे चैनल पर। अभी हमको जो मिला सिटी में 15.5 का मिला है, 21 तक भी गया था, वो भी मैं शॉर्ट डाल दूंगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। 15.5 तक का अभी मुझे मिला है। मैं हाईवे तो नहीं चलाया हूँ, सिटी में ड्राइव किया हूँ, तो इन टर्म्स ऑफ एवरेज गाड़ी का मेरे एवरेज इम्प्रूव हुआ है, अच्छा एवरेज मिल रहा है। कम्पेटिवली पहले 8-9 मिल रहा था। तो अगर आपका एवरेज इनिशियली नहीं मिल रहा है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गाड़ी आप चलाइए आगे एवरेज मिलेगा। मैं 1400 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ, बहुत जल्दी आपको 1500 किलोमीटर का भी वीडियो आएगा। बिल्कुल आप पंच के एवरेज से निराश ना होइए। सो दोस्तों आपको एवरेज को लेके ज़्यादा टेंशन लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नया नया गाड़ी लिया है एवरेज मिलता है, बाद में जाके स्लोली ग्रेजुअली बढ़ता है। अभी मेरा एक ही सर्विस हुआ है, सेकेंड सर्विस ड्यू होने वाला है, उसके बाद और इम्प्रूवमेंट होगा, बट आप गाड़ी चलाओगे तो एवरेज मिलेगा, तो ये प्लस पॉइंट है। और पावर के बारे में बहुत लोगों ने बात कर रहा था कि पावर कम मिल रहा है, अंडर पावर फील हो रही है, तो ऐसा मुझे कुछ नहीं ज़्यादा फील होता है। हाँ अगर आप इको मोड पे हो और आप एक सर्टेन स्पीड प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो, गियर चेंज कर रहे हो, तो इतना नहीं फील होगा। बट अगर आप इको मोड पे हो और आप चल रहे हो ट्रैफिक में हो या ब्रेकर है या हिल्स है चढ़ाई है, तो वहाँ पे थोड़ा आपको फील होगा अंडर पावर। बाकी ऐसा पावर को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में। हमने काफ़ी कुछ रिसर्च किए पंच पे, इतने सारे वीडियोस भी बनाए हैं और मैं बहुत ज़्यादा जो रिसर्च करता हूँ, जो डेटा सामने आता है वही फैक्ट रखता हूँ। बाकी यूट्यूबर के जैसा नहीं है कि खाली मैंने गाड़ी का रिव्यू कर दिया और कंपनी का एआरआई माइलेज और बाकी चीज़ें बता के मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं पूरा जो मैंने प्रैक्टिकली फील किया है, जो मैंने खुद देखा है, जांचा है, परखा है, वही आपको बताता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आदित्य एंड तन्वी ब्लॉग। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।